हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो बहुत दिन के बाद हमारा डेली ब्लॉग आ रहा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, बहुत काम में बिजी थे इसलिए नहीं आ रहा था। तो गाइज, आज बन रहा है केले की सब्जी, कच्चे केले की सब्जी, जो कि ये बनाएंगे हम। बस छील रहे हैं, इसको काट दे रहे हैं, बाकी ये बनाएंगे। तो आपको आगे का प्रोसेस आगे ब्लॉग में दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज, इस तरह से काटना है केले को, इसे मसाला भी लगाना है। मसाला लगा के इसको तब फ्राई करना है, मैरिनेट करना एक तरीके से, है ना। तो इसको काटने का तरीका देखिए, इस तरह तरीका काटिएगा आप लोग, ज्यादा मोटा भी नहीं कि गले ही ना, ऐसे काट के रेडी करना है। गाइज, यहाँ पे आप लोग मसाले ले लेते हैं। तो सबसे पहले देख लो, हल्दी लेंगे, ज्यादा नहीं इतना, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे, ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाएंगे दोस्तों, वैसे ज़्यादा मसाला अच्छा लगता नहीं है। ये दोस्तों है जीरा गोलकी पाउडर, दोस्तों इसमें है गरम मसाला, इसको भी थोड़ा सा ले लेंगे बस। दोस्तों इसमें है धनिया पाउडर, इसको ले लेते हैं बस। और दोस्तों नमक स्वाद अनुसार ले लेंगे अभी। और क्योंकि अभी नमक डाल देंगे, बाद में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसका हमने पेस्ट बना लिया है, अब इतना ही मसाला में हमारा जो सब्जी है तैयार हो जाएगा, इतने ही मसाला में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा पेस्ट तैयार हुआ है ना, इसमें 2 चम्मच मिला देंगे बस। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा कढ़ाई गरम, कढ़ाई में जो तेल गरम हो गया है, ये देखो हमारा मैरिनेटेड केला। अब मछली जैसा दोस्तों इसको फ्राई करना है, एक एक करके फ्राई कर लेंगे इसको अच्छे से, सारे को फ्राई कर लेंगे। और इसी मसाले में इतने ही मसाले लगेंगे, और साथ में दोस्तों एक काम करना आप, ये टमाटर लहसुन और अदरक का प्योरी भी तैयार कर लेना, क्योंकि ये भी डालना होगा। इतना फ्राई हो गया है, देख सकते हो आप, इतना मस्त फ्राई हुआ है एकदम मछली जैसा। और लास्ट ये बचा है, इधर ख़त्म हो गया, बाकी ये लास्ट बचा है फ्राई होने के लिए। और इधर अब आएंगे तो बाकी फ्राई तो हमें किए हैं, उनको बनाना था क्योंकि आज हमको इंजेक्शन पड़ा था तो हाथ थोड़ा दर्द दे रहा था, तो वो बोले हम ही बना देते हैं, लेकिन उनसे फ्राई हो नहीं रहा था तो हमको फ्राई ही करना पड़ा, बाकी ग्रेवी वो लगाएंगे। सारा फ्राई हो चुका है इधर, फ्राई बढ़िया हुआ, अच्छा खासा फ्राई हो गया। तो अब इसमें पचफोरन जो होता है दोस्तों, पचफोरन मिला देंगे इसमें, ज्यादा नहीं, ज्यादा पचफोरन डाल दो, तेल देख सकते हो गाइस कितना कम है, क्योंकि फ्राई करने में तेल गया है तो हम लोग कम ही तेल डालें। बस ये देखो फ्राई भी हो गया, ये सारा मसाला इसमें ही मिक्स हो रहा है, क्योंकि सारे भुने हुए मसाले ना जल जाएंगे, ठीक है। अब जल्दी से मिला देते हैं इसमें, मसाला जा चुका है कि क्या खुशबू आने लगे ना, पचफोरन डाल लेना। तो दोस्तों बचे खुद से जिसमें चिपके मसाले थे, उसमें हमने पानी डाल के अच्छे से देखो साफ करके निकाल दिया। इसमें दोस्तों इसमें एक्चुअली क्या है कि नमक हमको लगता है कि कम हो गया थोड़ा, तो थोड़ा नमक डाल देते हैं, चम्मच से तो इतना काफी होगा ना, इतना डालने को पहले हमको नहीं पता। इसको अच्छा से भूनेंगे दोस्तों, जब तक तेल हमारा ऊपर ना आ जाए, मतलब इसमें मसालों से तेल ऊपर ना आ जाए। गाइस देखो मसाला हमारा पूरा भून चुका है, और पूरा आधा हो गया भून कर। अब इसमें हम गरम पानी मिला देंगे दोस्तों, जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से पानी मिला देना। और इसमें उबाल तो ऑलरेडी आ गया है दोस्तों, अच्छे से पहले मसाले को इवनली पूरा मिक्स कर लेंगे यूनिफॉर्मली अच्छे तरीके से, फिर हम इसमें जो फ्राइड केले हैं हमारे वो डाल देंगे। दोस्तों आप देख सकते हो बहुत अच्छी उबाल आ गई है, अब इसमें फ्राइड केले को डाल देते हैं। बहुत सिंपल रेसिपी दोस्तों, आप बनाओ खाओ, और टेस्टी भी है और अच्छा भी लगेगा, बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट रेसिपी। अब लास्ट में जरा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा हल्का सा, बस अच्छे से क्रश कर लो अच्छे से, और चारों बगल मिला लो। क्या मस्त उबाल आया है, इसको हल्का सा
चला लेते हैं दोस्तों, और 5 मिनट के बाद जैसे ग्रेवी हमको और आधा ही करनी है, ग्रेवी आधी हो जाएगी इसको हम फिर बंद कर देंगे। सूखा सूखा है एकदम मछली जैसा। अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। अच्छा नहीं बना है ना? बहुत अच्छा बना है, सही में। हाँ? थोड़ा सा नमक हल्का हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा बना है। नो ज्यादा हो गया है? हल्का। ट्राई करो। क्या पता नहीं। तुमको ठीक लगेगा? तुमको ठीक लगेगा। गाइस देखो, एकदम मछली जैसा है, एकदम फ्राई मछली का। ये तो बोले तुमको ठीक लगेगा। बिल्कुल अच्छा है, मस्त लग रहा है। तो गाइस आप लोग भी बनाओ इस तरह एकदम। देखो गाइस कैसा दिख रहा है, कितना मस्त केला का रेसिपी। हम लोग भी फर्स्ट टाइम बनाया ना इस तरह से, बहुत अच्छा बना है गाइस। आप लोग भी बनाओ। तो हम लोग अब खाना अपना एंजॉय करते हैं, इधर रोटी, उधर कर्ड और मैंगो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।